अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं चिकन कटलेट्स। जी हाँ, ये चिकन कटलेट्स खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगते हैं। हर एक को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आते हैं। आप इसे स्नैक्स के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे या लंच बॉक्स में इसे सर्व कर सकते हैं और साथ में ट्रैवलिंग में भी इसे ले जाना बड़ा ही आसान होता है। तो चलिए बनाते हैं चिकन कटलेट्स। इसके लिए मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली और इसे एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच नमक डालकर मैंने इसे बॉईल कर लिया और फिर इसे मैंने श्रेड कर लिया। ये देखिए, मिक्सी में डाल के मैंने 2 से 3 बार 1 से 2 सेकेंड के लिए सिर्फ इसे चलाया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से श्रेड हो गई है। और साथ में मैंने लिए हैं 3 बॉयल पटेटो, उबले हुए आलू। मसालों में मैंने लिया है आधा नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्चें, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। क्योंकि चाट मसाले में काफ़ी नमक होता है इसीलिए यहाँ पर मैंने नमक कम इस्तेमाल किया है, आप भी इस बात को ध्यान रखें। 2 चम्मच मैंने मायोनीस लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पटेटो को, यानी आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से और इसके अंदर मिला देंगे श्रेड की हुई चिकन। यहाँ पर अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन है, ग्रेवी की बची हुई चिकन है या तंदूरी चिकन बची हुई है तो आप उसे भी श्रेड करके इस तरह मिलाकर उसके कटलेट्स बना सकते हैं, वो भी बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो आप यहाँ पर लेफ़्ट ओवर चिकन इस्तेमाल कर सकते हो, बची हुई चिकन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, मैंने चिकन में आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं मिला रही हूँ मसाले, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, आधे नींबू का रस। इन तमाम चीज़ों को डाल दिया मैंने। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। इन कटलेट्स को आप बर्गर में पैटी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे मिला रही हूँ 2 बड़े चम्मच मायोनीस। इसके मिलाने से कटलेट्स बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना मिलाएं। मायोनीस मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये मायो जो है मिक्स हो चुकी। अब मैं इसमें मिला दूँगी हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके तैयार करेंगे कटलेट। हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो चुका। हाथों में हल्का सा ऑयल लगाकर इसके कटलेट बनाएंगे ताकि बैटर जो है वो हाथ में चिपके नहीं। दरमियानी साइज़ के मैं कटलेट तैयार कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। देखिए, इतने बस काफ़ी है मेरे लिए। अब अपनी मर्ज़ी से इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पहले पूरी कटलेट तैयार कर लेंगे और फिर इसकी हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह पूरे कटलेट्स हम बना लेंगे। कटलेट्स हमारे तैयार हैं, अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब और 2 अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्ब में बिल्कुल अच्छे से इसे कोट कर लेंगे और फिर अंडे में डिप करेंगे हम इसे। अंडे में डिप करने के बाद दोबारा से एक बार इसे हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो। ये देखिए, ब्रेड क्रम्ब ऊपर से लगा देने से बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाते हैं। सूखे हाथ का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्ब है हमारे हाथ में ना लग जाए। इस तरह हम तमाम कटलेट्स को कोट कर लेंगे, पहले ब्रेड क्रम्ब में, फिर अंडे में। और अब दोबारा से मैं इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे
ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर तेज़ आंच पे अच्छे से गर्म कर लिया और फिर मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया। अब मीडियम फ्लेम पर हम कटलेट्स को फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारे बॉयल आलू है और चिकन भी हमारी बॉयल है, तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन एक मिनट तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए हल्के से सुनहरे ऊपर से नज़र आ रही है, अब मैं इसे पलट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अलट पलट करके इसे हम बिल्कुल सुनहरा होने तक, गोल्डन रंग आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज मालूम पड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये चिकन कटलेट्स हमारा रेडी है। ये देखिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये तैयार है चिकन कटलेट्स, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, ये खाने में बहुत ही लजीज होते हैं ये। तो ये देखिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, साथ में अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक